आज मैं ऐसे मोटर पार्ट्स कंपनी की बात करने वाला हूँ जिससे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। कैसे? अगर आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप कोई भी पार्ट लेने जाते हैं ना, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये सप्लाई किया हुआ या फिर ये इनके द्वारा मंगाया गया हो। इस कंपनी का नाम है इंडियन मोटर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज लिमिटेड। ये टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, 1954 में फॉर्म हुई थी, बहुत पुरानी कंपनी है। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है? तो करती कुछ नहीं है, प्रोडक्ट खुद का नहीं है। प्रोडक्ट क्या करती है? खरीदती है, लेती है 50 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे ब्रेक इंडिया है, रानी मद्रास लिमिटेड है, सुंदरम फास्टनर है, जेड एफ कमर्शियल कंट्रोल सिस्टम है, बंको लिमिटेड है, इन सबसे कमर्शियल व्हीकल पार्ट्स खरीदती है, ब्रेक सिस्टम खरीदती है, स्टीयरिंग सिस्टम खरीदती है, पावर ट्रेन, इंजन पार्ट्स, व्हील रिम और बहुत सारे कंपोनेंट्स इन सब कंपनियों से खरीदती है। इन 50 कंपनियों से ये माल उठाती है और उठाकर अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास में बेचती है। और इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क कितना बड़ा है आप सोचकर आश्चर्य करेंगे। लगभग 20,000 ऑटो पार्ट्स शॉप में इनका माल जाता है, 20,000। पैन इंडिया प्रेजेंस है इनकी, हर जगह इनका प्रेजेंस है। ये तो होगी एक पार्ट की बात, और दूसरा पार्ट क्या मालूम है इसका दूसरा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट ग्रुप ऑफ कंपनी भी है, लगभग 70% इसका इन्वेस्टमेंट में जाता है, और इन्वेस्टमेंट भी बड़ी नामी ग्रामी कंपनियों में इसने किया हुआ है। जैसे सुंदरम फाइनेंस में इसका लगभग 2.61% का स्टेक है। आज की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 800 करोड़ के आसपास ये अमाउंट आता है। और इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है पता है? इंडियन मोटर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज इंपाल, मैं कहूंगा आगे से, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है पता है? इसकी लगभग 1,000 करोड़ की ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब इसका शेयर का भाव जो चल रहा है ना 800 के आसपास, तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हम निकालते हैं तो लगभग 1,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर इसका इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 800 करोड़ के आसपास, तो मैंने बता दिया कि सुंदरम फाइनेंस में है। इसके बाद सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग कंपनी है, उसमें लगभग 70-80 करोड़ के आसपास इसका इन्वेस्टमेंट है। रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है, इसकी भी काफी अच्छी वैल्यूएशन है। विल्स इंडिया जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, उसके अंदर में लगभग 4.5% से ऊपर स्टेक होल्ड करती है, और उसका वैल्यूएशन निकाला जाए तो उसका वैल्यूएशन भी लगभग 70-80 करोड़ के आसपास आता है। तो ये तो हो गए सिर्फ इसके इन्वेस्टमेंट की बात, और साथ साथ में इसने म्यूचुअल फंड में भी डाला हुआ है, और म्यूचुअल फंड का अगर वैल्यूएशन निकाला जाए लगभग 160-165 करोड़ 2022 में था, अभी मार्केट इतना बड़ा है। तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो इसका वैल्यूएशन होना चाहिए वो लगभग, अगर ये शेयर जो होल्ड करती है प्लस इसकी जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है उस दोनों को अगर मिला दिया जाए ना, तो लगभग 2,000 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यूएशन निकलती है। और कंपनी कहाँ खड़ी है? 1,000 करोड़ के आसपास खड़ी है। इसकी प्राइस टू अर्निंग लगभग 14 रुपए के आसपास चल रही है, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर में, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर में बहुत कम है। और इस कंपनी की बुक वैल्यू देखी जाए तो लगभग 1,100 करोड़ के आसपास इसकी बुक वैल्यू है, और लगभग 3% का डिविडेंड यील्ड है, मतलब डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी, और जीरो डेब्ट कंपनी है, बिल्कुल भी लोन नहीं उठाया हुआ है, बहुत कम लोन उठाया हुआ है। कैश क्रेडिट का लगभग 5 करोड़ का लोन इसका पिछले साल चल रहा था, लेकिन इस साल वो जीरो हो चुकी है वैल्यू। इस कंपनी की अदर इनकम्स, डिविडेंड इनकम ये ना बहुत ज्यादा है, डिविडेंड इनकम मिलती है, फिक्स डिपॉजिट की भी इनकम इनको मिलती है, लगभग 5-6 करोड़ रुपए तो इसको डिविडेंड के रूप में ही मिल जाता है। सेल्स एंड मार्जिन देखी जाए तो सेल्स काफी अच्छी ग्रोथ देखा गया है, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे इसकी सेल्स चल रही है, और मार्जिन क्या है, मार्जिन इनको बीच बीच में जो डिविडेंड ऐसा मिलते रहता है ना, उसके कारण इसकी मार्जिन बहुत अच्छी हो गई है, इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन इसी के कारण बहुत अच्छी हो गई है, और सेल्स भी इसकी अच्छी चल रही है। अपना माल ना होकर भी ये मालामाल कंपनी है, ये आने वाले समय में 800 रुपए के भाव के आसपास ये काम कर रही है। बाकी इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिए। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है ये 800 रुपए की कंपनी लगभग 2,000-2,500 के भाव पर आसानी से जा सकती है, और 2,000-2,500 जब पहुंचेगी तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 गुना हो जाएगी, मतलब 3,000 करोड़ के आसपास हो जाएगी। इसमें 2,000 करोड़ तो इसका इन्वेस्टमेंट ही है लगभग, तो हो सकता है सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट के बल पर ये कंपनी बहुत ऊपर चली जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में इसने अपना स्टेक बनाया हुआ, और स्टेक सेल नहीं कर रही है, स्टेक बढ़ाया ही है इसने। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा।